पिपरी में लोकसभा चुनाव से पहले गुना सिपरी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को कांग्रेस ने झटका दिया है। बुधवार को पूर्व मंत्री और भाजपा नेता भैया साहब लोधी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में बम्बई कोठी पर भैया साहब लोधी ने अपने पुत्र दिनेश लोधी के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस दौरान भैया साहब लोधी ने कहा कि वह भाजपा में घुटन महसूस कर रहे थे और अपने पुराने परिवार में वापस लौट आए हैं। गौरतलब है कि भैया साहब लोधी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मोतीलाल सरकार के समय सिंचाई मंत्री रहे हैं और वर्ष 1998 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। भैया साहब लोधी की कांग्रेस में वापसी पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनका सिंधिया परिवार से पुराना नाता है और इस परिवार में वे वापस आ गए हैं। भैया साहब लोधी की कांग्रेस में वापसी को लेकर पिछले कई दिनों से अटकायत चल रही थी। उन्हें कांग्रेस में वापस लाने में पार्टी के प्रदेश सचिव विजय शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विजय शर्मा ने बताया कि भैया साहब लोधी सिंधिया परिवार के पुराने सदस्य रहे हैं और पूर्व में वह किसी कारण से इस परिवार से दूर हो गए थे, लेकिन अब वह पुनः अपने घर लौट आए हैं। सिपरी से गजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। सुनो भैया, ए पीछे मत जाओ, सुनो सामने कोई नहीं आऊंगा। ओ मेरी बहना, अब बस तुम रोटी नू मसाले लाओ। ओ अपनी रसोई की तुम बहना, फिर से शान बढ़ाओ। ओ मेरी बहना, अब बस तुम रोटी नू मसाले लाओ। ओ अपनी रसोई की तुम फिर से देखो शान।